तो ये कल्ब का बिफोर हेयर कट लुक है, ये इस तरह से इसके बाल लास्ट टाइम भी दिखाए थे मैंने, देखे बहुत बढ़ गए। अभी ये जा रहा है हेयर कट के लिए इनके साथ। हाँ तो इनके साथ जा रहा है अभी हेयर कट करने के लिए। बाय बाय। या मैं दूध उबालने के लिए रख रही हूँ। अभी आपको जैसे दिखाया ना कि कल गया है हेयर कट करने के लिए, तो अभी आधे से ज़्यादा घंटा हो गया, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया। और अभी हम इस तरह से दूध लेते हैं, मतलब यहाँ पे पहले कैसे दूध वाले वो केटली में दूध लेके आते थे और देते थे, अभी यहाँ पे केटली लेके आते लेकिन उसके अंदर ऐसे थैलियों में दूध देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश दूध मिलता है, पैकेट वाला नहीं मिलता, प्रोसेस किया हुआ। मतलब तो भैंस का ही दूध खरीद रहे हैं अभी, 9:30 का टाइम है उनका। और मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है, मतलब खाना बना के हो गए, सुबह के बर्तन हो गए, झाड़ू लगा के हो गया, और मैं एक दिन बाद पोछा लगाती हूँ तो उस हिसाब से कल लगाया था तो आज नहीं लगाना है। और अभी बस कपड़े बाकी है, लेकिन अभी कल और उसके पापा गए हैं हेयर कट करने के लिए, तो वो जब आएंगे तब उनके नहाने के बाद ही वो काम होगा। ऐसे रख देती हूँ अभी, तो थोड़ा बहुत जो दूध है वो बाद में निकाल लूंगी। तो ये दूध उबल रहा है यहाँ पे, ये कल की बची हुई, कल सुबह की बची हुई रोटी, इसको मैंने गरम कर दिया है तवे पे ताकि ये कड़क हो जाए, तो बाद में किसी सब्ज़ी के साथ खा सकते या चूरमा बना सकते। ये कल के लिए दूध निकाल के रखा है, बाद में इसको गरम करूँगी। ये यहाँ पे है पाइनएप्पल, जो हस्बैंड और मैं और मेरी मम्मी खा लेंगे, क्योंकि 2 दिन हो गए ला के, तो अभी ये ख़राब हो जाएगा आज नहीं खाया तो। और ये यहाँ पे हो गई ये दिवाली की तैयारी स्टार्ट, जैसे कि ये चावल मैंने भिगोए हैं 2 दिन पहले, मतलब फ्राइडे सुबह, तो आज है संडे सुबह, तो आज इनको निकाल के फ़ैन के नीचे सुखा के इनका डो तैयार करना है, गुड़ मिक्स करके। ये अनार से जो बनते हैं हमारे यहाँ पे दिवाली में, उसकी प्रिपरेशन है जो 2 दिन पहले से की है, आज इसको फाइनल उसका डो बना के रखना पड़ेगा ताकि 7 या 5 दिन के बाद हम उसके अनार से बना सकते हैं। तो अभी फाइनली बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए, मम्मी गई है कचरा फेंकने के लिए, तो यहाँ पे नीचे जाके कचरा फेंकना पड़ता है, मतलब नीचे बड़ी बड़ी बाल्टियाँ, ऐसे बाल्टियाँ नहीं कैन रखे हुए होते, तो उसमें डाके जाके बस डाल दो और फिर वो लोग डाल देते हैं बाद में। तो मेरा चेहरा देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, ये फिर से शिफ्टिंग के बाद फिर से ख़राब हो गया है, ये देखिए यहाँ पे। अभी वापस से टैबलेट लेके आई हूँ, टैबलेट लेना भी स्टार्ट कर दिया है, अभी देखती हूँ कि कैसे होता है, पता नहीं चल रहा है कि धूल मिट्टी, मतलब शिफ्टिंग की, जैसे कि गणपति से पहले भी घर की साफ़ सफाई की थी तो मुझे थोड़ी सी धूल की एलर्जी है, लेकिन इस तरह की एलर्जी नहीं थी, मुझे सिर्फ खुजली वगैरह इस तरह का प्रॉब्लम था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है तो पता ही नहीं चल रहा है कि किस वजह से हो रहा है। फिर से शिफ्टिंग की, मतलब फिर से शिफ्टिंग के लिए मैंने घर को क्लीन किया, बर्तन वगैरह सब, तो उसके बाद फिर से ये हो गया, तो अभी पता नहीं कैसे जाएगा। थोड़ा सा जब मैं मेकअप करती हूँ थोड़ा बहुत, तब थोड़ा सा नॉर्मल हो, मतलब हो जाता है, ये रोज़ के इसमें तो नहीं ढकता। अभी देखते वापस कोई तो आया है। काय रे काय करू ना, रिंग कधी परत मिळेल दाखव समोरून, समोरून संध्याकाळी पाहिजे आम्हाला टीपिंग, लॉलीपॉप कोणी घेऊन दिलं, तो ये जो है ये सूख गए हैं, इनको पूरा भी नहीं सुखाना है, बहुत ड्राई भी नहीं करना, एकदम हल्का सा ये गीला है, ये देखिए इस तरह से।
तो अभी ये मिक्सर के जार में इनको डाल के मैं इस तरह से छान रही हूँ। ये सबसे बारीक वाली छन्नी है, तो ये देखिए यहाँ पे इसका, और यहाँ पे गुड़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो दोपहर को मैंने आपको दिखाया कि मैं जो वो चावल को पीस के उसका फ्लोर बना रही थी, आटा बना रही थी, तो वो काम मेरा हो गया। उसको इतना ज़्यादा टाइम लगा कि मैंने दिखाया था मैं खड़े होके, ये यहाँ पे मैंने मिक्सर रखा है तो यहाँ पे मैं वो काम कर रही थी, तो यहाँ से उठा के मैं वहाँ वो जो नीचे की तरफ बोर्ड है वहाँ पे बैठ के मैंने बाकी का बचा हुआ काम किया, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा मुझे उसे लगा, क्योंकि चावल जो मैंने भिगोने के लिए डाले थे वो इस तरह का जो मेरा ग्लास है ये 4 ग्लास भर के डाले थे, तो मिक्सी में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे करने में। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस 4 ग्लास अगर आपने चावल भीगने के लिए डाले हैं, सपोज़ कि जैसे कि मैंने फ्राइडे को सुबह डाले थे, तो मैंने संडे को सुबह सेम उसी टाइम के आसपास मैंने उनको निकाला, और सिर्फ सैटरडे के दिन मतलब हर रोज़ आपको उसका पानी चेंज करना है, वो पानी फेंक के सिर्फ नया वाला पानी भर के रखना है। तो लास्ट दिन फिर मैंने क्या किया, आज उनको निकाला, धोया वगैरह कुछ भी नहीं, और सीधा ड्राई करने के लिए, मतलब पानी पूरा निकालने के बाद ड्राई किया मैंने इसके नीचे, हाँ आपको दिखाया वो मैंने फ़ैन के नीचे कॉटन के कपड़े पे मैंने उसको ड्राई करके लिया। पूरा ड्राई नहीं करना है, एक हल्का सा वो ये गीला भी होना चाहिए, प्रॉपर गीला नहीं लेकिन हाथ को थोड़ा गीला लगना चाहिए। उसके बाद उसका मैंने आटा बनाया, जैसे मैंने पीस के दिखाया, सबसे छोटी वाली जो छन्नी होती है उसकी हेल्प से मैंने उसका आटा निकाला। फिर उसके आटे में मैंने ये 3 ग्लास भर के गुड़ को कद्दूकस किया, 3 ग्लास से थोड़ा सा कम लिया, मतलब 3 ग्लास ही लेते हैं, लेकिन अगर आपको कम मीठा खाना है इस तरह से आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो। तो वो गुड़ को मैंने फिर वो आटे के साथ अच्छे से हाथों से मिलाया, फिर मिक्सी में फिर से उसको घुमाया ताकि वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। और वो मिक्स होने के बाद ये इस तरह के लड्डू मैंने बनाए उसके, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह के लड्डू बना के रखे। अभी अनारसे का आटा जो है वो रेडी है मेरा, इसको अभी कुछ मुझे क्या करना है कि इसी तरह डब्बे में पैक रखना है, ये फर्मेंट होगा, 1 रात लगती है फर्मेंटेशन के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट मेनू में से फर्स्ट आइटम तैयार हो गया है, क्योंकि इसको तैयारी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब भी ज़रूरत होगी तभी मैं इसको निकाल के खाऊंगी। तो आप भी अपने घर पे अनार से ट्राई कीजिए, अगर आपको पता नहीं, अगर मैंने कुछ गलती की है कुछ है तो आप मुझे भी बता सकते हो कि अरे भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, तो और अच्छे बनेंगे। तो ये डब्बा मेरा अभी रेडी है, ये शेल्फ़ में चला जाएगा, और मैंने अपने लिए चाय बनाई है, ये देखिए यहाँ पे। तो मैं अभी अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, और कल्प और उसकी नानी दोनों भी नीचे खेलने के लिए गए हैं गार्डन में, तो वो दोनों भी गार्डन में गए हैं, मैं अकेली हूँ घर पे। और आज का मेनू तो डिसाइडेड है मेरा, सुबह का कुछ नहीं है ज़्यादा बाकी बचा हुआ, तो अभी मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी सूखी वाली, दाल चावल और रोटी। तो अभी वो आएँगे, अभी मैंने सब दिए वगैरह लगा दिए भगवान के लिए, अभी दिवाली के कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है दिए वगैरह लगाना। ये देखिए बाहर का दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, तो बाहर का भी दिया लगा दिया मैंने भगवान का, यहाँ पे भी दिया लगा दिया, ये मंदिर इस तरह से सजाया है। ये लाइट देखिए, ये जो लड़ी है ये हस्बैंड चेक कर रहे थे कि कौन सी चालू है कौन सी बंद है ताकि ख़रीदने के लिए, तो उन्होंने ऐसे ही पूरे घर पे देखे, पूरे घर में ऐसे ही छोड़ दी उसको, तो अभी वो ठीक करेंगे। आज तो उनको टाइम मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेट ही होने वाले, बहुत लेट हो रहे हैं, मतलब हर रोज़ ही जैसे हम यहाँ पे रहने आए हैं तब से लेट ही आते हैं घर पर ज़्यादातर, पहले जल्दी आ जाते थे चाय पीने के लिए, अभी नहीं आते। तो अभी मैं अकेली हूँ, चाय पी रही हूँ, और कल थोड़ा सा खा के गया, अनार खा के गया, और मम्मी चाय पी के चली गई बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, जब से आए हैं अभी 8 दिन हो गए, कल ही 8 दिन हुए हमें यहाँ पे आके, तो पूरा घर भी दिखाऊंगी मैं आपको धीरे धीरे। अभी क्या हुआ है कि कुछ सामान लगा है, कुछ ख़रीदना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ख़रीदनी है, पर उनको मैंने अभी बोला ना हस्बैंड को टाइम ही नहीं, तो वो आते ही नहीं टाइम के ऊपर, तो अभी ख़रीदने के लिए कब जाएंगे। इस बार इवन ग्रोसरी भी मैंने यहाँ से शॉप से मंगवाई, वो लोग होम डिलीवरी करके गए,
बिल्कुल भी टाइम नहीं हस्बैंड को, और दिवाली तो सर पे है, दिवाली की कोई भी तैयारी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखते जैसे होगा वैसे होगा, और दिवाली तो क्या लास्ट लास्ट में ही होगी ऐसे लग रहा है शायद। तो चले अभी चाय पी लेती हूँ और अभी सीधा मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में कुछ तो अच्छा सा शेयर करूँगी आपके साथ, और धीरे धीरे करके आपको घर भी दिखाऊंगी, ये जगह भी दिखाऊंगी, कहाँ पे रहते हैं हम, क्या है वो सब कुछ। और हम सब लोग मिलके दिवाली भी एंजॉय करेंगे। मैं जैसे जैसे दिवाली की तैयारी करती जाऊंगी आपके साथ भी शेयर करती जाऊंगी, और आप सबको दिवाली की तैयारी करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अच्छे से दिवाली मनाते हैं, और पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाते हैं। खाने के लिए आप कुछ भी खाओ, जो मर्जी खाओ, लेकिन पटाखे मत फोड़ो। जितना कम हो सके पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश करो, और तब तक के लिए चलिए बाय बाय। और अगर आप मेरा व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पहले कभी नहीं देखा है, या फिर देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिए। कपड़ी ta 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 ta